अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और जो नहीं ठीक अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और ज़िंदगी की तमाम आसानियाँ अता करे। ये संडे का दिन है और बच्चों को हम लेकर गए हैं फ्लिप आउट, क्योंकि हसन ने बहुत तंग किया हुआ था। वो पप्पो को और चाची जान को तंग कर रहा था कि आपकी वजह से हम जा नहीं रहे, आप हर सैटरडे संडे वो कहते हैं और लेट हो जाते हैं। तो फिर सारे बच्चे उसने पीछे लगाए हुए थे, तो एक बच्चा कहता है तो सारे बच्चे कहते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, तो सब उसी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। बच्चे एक दूसरे की देखा देखी सीखते भी हैं। और इस तरह फिर हम ये फ्लिप आउट लेके आए हैं इन बच्चों को। तो अभी हमारा टाइम था तकरीबन आधे घंटे का वेट था, लेकिन आधा घंटा भी बच्चों ने तो उल्टा सीधा वहाँ पता नहीं क्या ऊपर नीचे कर दिया इन्होंने, और सारी चीज़ें चेक करें, कभी इधर जाएँ कभी उधर जाएँ। और फिर जी ये यहाँ इनका फिर टाइम स्टार्ट हो गया था, एक घंटे के लिए था। तो ये फिर क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे तो इन्हें समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या करें, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इनके साथ किसी एक बड़े को होना चाहिए। और क्योंकि वहाँ कोई ट्रेनर तो थे नहीं, ना इंस्ट्रक्टर थे, बस बच्चे अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते रहे। ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, यहाँ बच्चे ये घूमेगा और इसे फिर जंप करना है, और जिस तरह टीवी में दिखाते हैं। मैंने तो टीवी में ही देखा है और यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह देखा लाइव। और यहाँ हसन सबसे पहले निकलता है क्योंकि हसन दो तीन बार गिर गया है, और हसन और हुसैन ने इतना पीछे पड़े हुए थे उसके कि हमने ये स्टार्ट करो, हमने खेलना है ये। और छोटे बच्चे भी थे कि हम भी लें, हम भी जाएँ। ये तो हैदर यहाँ ज़मीन पर लेट गया है कि जी मेरी बारी नहीं आ रही है, मुझे खेलने नहीं देंगे। लेकिन इस तरह फिर वन बाय वन सब ऐसे जो गिर जाता था उसे वो निकाल देते थे। अब दो बच्चे रह गए हैं, दोनों ही देखें क्या बनता है इनका, कौन विनर होता। मुझे लगता है उसने जान के दोनों को ही गिरा दिया, वरना अगर आगे जाता तो फिर एक तो विनर हो ही जाता ना। यहाँ जी ये निंजा स्लाइड है और हसन साहब ने पहले चेंज की है शर्ट, और फिर ये डर गया देख के और वापस आ गया कि मैंने नहीं लेनी। तो फिर इसे हमने ऊपर से डांटा है कि नहीं आप जाओ लो, कुछ नहीं होता आप जाओ। तो इसने फिर दोबारा चेंज किया है, तो वो जो इंस्ट्रक्टर है वो बता रहा है कि आपने ऐसे करना है और ऐसे जाना। और इसे आगे देखिएगा, ऊपर चढ़ता है तो साथ ही टांगे नीचे करते हैं तो ऊपर उठा लेते हैं वापस, डर जाता है कि मैंने नहीं लेना। हमारे टाइम में तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, चलो अब हमारे बच्चों के टाइम में ये चीज़ें हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं, चलें बच्चे हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि बच्चे हर चीज़ ही लें, इंजॉय करें। अब इतनी मुश्किल से ये आया और आके नीचे गुस्सा करता है। खैर जिस तरह बच्चों ने इंजॉय किया, जंपिंग बहुत ज़्यादा की, जब वापस आना था तो फिर कहते हैं कि हमने जाना नहीं है। एक एक बच्चे को फिर पकड़ के लाए हैं बाहर कि आपका टाइम ओवर हो गया है। और जी ये पता नहीं जंपिंग थी और बच्चे इस पे जंप, ये नेट सी उन्होंने बनाई हुई थी कि बच्चे जंप करते थे और फिर इस जो इन्होंने ये स्टेज से बनाए हुए थे इन पे चढ़ जाते थे बच्चे जंपिंग के ज़रिए ही, और फिर ऐसे ही नीचे चले जाते थे, किसी को चोट नहीं लगती थी। और हमारे बच्चे तो अभी ऐसे ही भागे फिर रहे थे, मेरे समझ कुछ नहीं आ रही थी, शायद ये ज़रा बड़े बच्चे थे, मुझे लगता है कि 12-13 साल के बच्चे थे। तो ये माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो सही अपनी एक्टिविटी कर रहे थे। और ये इधर हमारे बच्चे ऐसे जंपिंग कर रहे थे और बंदर की तरह ऊपर चढ़ जाते थे, भाग के आते थे। लेकिन ये मैंने देखा अगर बच्चे ज़्यादा होना तो एक दूसरे की देखा देखी वो चीज़ें सीख जाते हैं कि वो कैसे कर रहा है, तो फिर वो भी ऐसे ही करते हैं। अब इनके साथ कोई बड़ा था नहीं तो बस इन्हें समझ भी नहीं आती, बस जैसे बस यूज़ कर रहे थे, जिस तरह चढ़ते थे ऊपर, एक चढ़ा वो नहीं कर सका तो दूसरे ने कोशिश ही नहीं की, और इस तरह बस वो इन्होंने अपना टाइम पूरा किया। और हाथ ऐसे बटनों को लगाते हैं जैसे ये विन करके आए हैं। ये जी अब यहाँ छोटे दुनिया आ जाएगी, छोटे बच्चे आएंगे,
ये छोटे बच्चे आ गए हैं, अब वो भी देखेंगे कि इन्होंने, अब हमारी बारी है, अब ये अपना करेंगे। लेकिन इनके साथ अगर कोई बड़ा होता तो वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हें मैनेज कर सकता था। बस जी इस तरह फिर ये बच्चों को घुमा फिरा के फिर जी वापस लाए हैं इन्हें घर। हमारा तो टाइम जो साथ थे उनका तो टाइम गुजारना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये तो बच्चे तो पागलों की तरह भागे जा रहे थे, कभी इधर कभी उधर, और हम भी इन्हें देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बस ये फ्लिप आउट था, इसमें सारी जंपिंग ही जंपिंग थी। यह इसमें निंजा स्लाइड थी। ये जी जब वापस निकले हैं वहां से तो ये हसन बाइक वगैरह पे बैठ गए हैं। यहाँ जी हस्बैंड की बर्थडे थी तो मैं ये बना रही हूँ अचार गोश्त, और इसके लिए मैंने मटन के अंदर योगर्ट डाल दी थी और अचार गोश्त मसाला डाल दिया था, इसे मैरिनेट करके रख दिया था मैंने। और फिर हमने कहीं जाना था तो फिर उधर चले गए। आप चाहें तो इसमें साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दें और टमाटर भी डाल के सारा कुछ डाल के मैरिनेट करके रख दें। पकाना नहीं है, एक दो घंटे के लिए इसे आपने बस मैरिनेट करके रखना है। माशाल्लाह से जी ये जो अचार गोश्त है ये सबको बहुत पसंद आया था। यहाँ जी हमने कहीं जाना था किसी के घर तो फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ, और फिर मैंने ये रास्ते की बनाई, मुझे बहुत अच्छे व्यू लगे तो वहाँ ज़्यादा फार्म हाउसेस थे। यहाँ जी वापस आ गए हैं, और वापस आके फिर मैंने जल्दी से मटन को पकाना शुरू किया है, और इसमें मैंने ऑयल डाला है, इसमें टमाटर डाला है, और फिर बाद में मैंने इसमें प्याज ब्राउन करके डाले हैं। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए थे मैंने, मैं बस वीडियो नहीं बना सकी। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी अचार गोश्त तो मैं फिर पूरी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। बस प्याज लाइट गोल्डन करने हैं क्योंकि उसकी भुनाई प्याजों की गोश्त के साथ भी होगी। यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है क्योंकि मैंने पहले मैरिनेशन में नहीं डालना था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, जो मुझे चीज़ें याद आई मैंने डाल दी पहले और बाद में फिर आके डाली पकाते हुए। तो इसे ढक के नहीं रखना, बस इसे ऐसे ही पकाना है और इसकी भुनाई करनी है, और इसका यानी कि योगर्ट की बहुत ज़्यादा भुनाई होती है, इतनी भुनाई करनी है कि योगर्ट का पता ना चले। और साथ ही फिर शाम को ये बर्थडे स्टार्ट हो गई है, और फिर जी ये हम चूल्हा वगैरह के दिन में सेटिंग कर रहे थे। अल्लाह हाफिज़।